आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। अरे विकास बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी है? बड़ी बहन? आंटी मेरी वाइफ है रिया। अच्छा, ये है रिया। भाई मुझे तो लगा कि तेरी बड़ी बहन है, इसकी उम्र देखकर गलतफहमी हो गई। अच्छा एक बात तो बता विकास, बेटा तुम इतने जवान हो, पैसे वाले हो, तुम्हें तो कोई भी एक से एक अच्छी लड़की मिल जाती थी अपनी उम्र की। फिर इतनी बड़ी उम्र की, दीदी की उम्र की लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? ये तो तुझसे उम्र में बहुत बड़ी लग रही है। आप लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, चाय वाय छोड़, तो एक बात सुन मेरी, शादी से पहले तूने टेस्ट करवा लिया था अपना? कौन सा टेस्ट? अरे यही कि तू माँ बन सकती है कि नहीं। भाई देखो अब तो तुम्हारा साइंस भी मान गया कि बड़ी उम्र में औरतों को माँ बनने में दिक्कत आती है, बच्चा कैसे होगा? आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग की शादी को बस अभी 2 महीने हुए हैं और हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि बच्चा कब करना है। ठीक है भाई, अभी नहीं सोचा है, कभी तो सोचोगे। मान लो कि 2-4 साल बाद तुम्हें लगे कि घर में कोई बच्चा होना चाहिए और फिर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी बीवी तो बांझ है, फिर क्या होगा? अच्छा बेटा एक बात बता, इतनी बड़ी उम्र तक इसकी शादी नहीं हुई, इतनी लेट शादी की इसने, तो कोई तो दिक्कत होगी इसमें, अरे इसके घर वालों ने तो उससे कुछ छुपाया तो नहीं है? आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, रिया अपने करियर पे ध्यान दे रही थी इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। अरे जा, करियर पे ध्यान दे रही थी भाई, ऐसे कौन सा करियर बना लिया, कौन सी नासा या इसरो पहुंच गई, यहीं खड़ी है ना तेरे मेरे लिए चाय बना रही है ना, बेकार की बात। बेटा मुझे तो लगता है ज़रूर कोई ऐसा कांड किया होगा इसने कि जो इस उम्र तक भी शादी नहीं हुई इसकी। नहीं आंटी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आंटी मैं और रिया एक दूसरे को 4 सालों से जानते हैं इसलिए हमने शादी करने का डिसीजन भी लिया। पता है इस पूरे मोहल्ले को ना तेरी शादी का बड़ा इंतजार था, विकास किससे शादी करेगा, विकास कैसी लड़की लाएगा, उसकी बीवी कैसी होगी, कितनी सुंदर होगी। तूने शादी की भी तो किससे, इतनी बड़ी उम्र की दीदी से। अरे तुझसे तो ये बहुत बढ़िया उम्र में। एक बात बताइए, आप हमारी शादी में आई थी ना? हाँ। और आपने स्टेज पे चढ़ के लिफाफा भी दिया था, तब आपने नहीं देखा दरिया को जो आज आप इसे पहचान नहीं पा रही हो? अरे बेटा क्या बताऊं, ये बढ़ती उम्र में ना बुढ़ापे में आंखें खराब हो जाती हैं। आपकी आंखें खराब नहीं हुई हैं, आपके ना दिमाग को जंग लग गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि IIT की कोचिंग वही लोग देते हैं जो खुद IIT का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। आपसे आपका खुद का घर तो संभाला नहीं जा रहा है और आप यहाँ हमें ज्ञान देने के लिए आ गई हैं। आपके बेटे की तो लव मैरिज हुई थी ना, दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, क्या हुआ शादी चल गई उनकी? आपकी बहू अभी भी मायके में है ना? देख विकास, मैं यहाँ ना तुझे शादी की बधाई देने आई थी, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। आप किस तरह बधाई दे रहे हैं ये मैं अच्छी तरह से सुन रहा हूँ। आपकी बहू तो 25 साल की है ना, पोते पोती हो गए आपको, मिल गए, और ये 28 साल की है और आपको ये आंटी लग रही है। आपका बेटा 28 साल का है और 55 साल का लगता है, सारे बाल जा चुके हैं उसके। आंटी जी जिसके घर शीशे के होते हैं ना उसको दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि जवाब में ना फिर ईंट मिलती है। अच्छा भाई गलती हो गई मुझसे जो यहां चली आई, कसम खाती हूँ जो आज के बाद इस चौखट पर पैर भी रख दूं तो। और आने की जरूरत भी नहीं है, जो मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना उसे इस घर में आने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको अपनी बची कुची इज्जत प्यारी हो ना तो इस घर में कभी वापस मत आना। विकास थैंक यू सो मच मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए। थैंक यू की क्या बात है, तुम मेरी बीबी हो, अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती करेगा ना तो एक डिसेंट मैन से एंग्री मैन बनने मुझे देर नहीं लगेगी। ठीक है मैं चाय बना के लाती हूँ। दोनों साथ में बनाते हैं, चाय ज़्यादा मीठी बनेगी। ठीक है।